Sir, next speaker, Shri Prakash Verma, 11 minutes. थैंक यू सर. आप लोग बोल सर, ये भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2016 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ. मैं अपने लीडर आदरणीय प्रोफेसर साहब के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए अवसर दिया. सर, आज अब हम एक बहुत बड़ी समस्या पे चर्चा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि जो एक्ट है जो आपने रखा है, आप लोग शायद ये मान के चल रहे हैं कि जो करप्शन है कोई एक सॉलिटरी एक्ट है, और जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स उसमें आई हैं या दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट रखी गई हैं. समाजवादी पार्टी क्या है? हाँ सर, इसको ठीक करा दीजिए. सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सॉलिटरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सब लिंक हैं आपस में. और दिक्कत यह है कि शुरू से ही ये बड़ा एक सेंटिमेंटल इशू भी रहा, पब्लिक के लिए भी, सबके लिए, कि ईमानदारी और बेईमानी एक बड़ा मोटा कंपैरिजन है इंडियन सोसाइटी में. लेकिन दिक्कत यह है कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की. आज भी हिंदुस्तान की जो करप्शन रेटिंग है पूरी दुनिया में, वो रामराज के लायक तो नहीं है, ऐसा मैं सह कह सकता हूँ. जैसा तय किया जाता है कि जैसा कि हमारे भाई अभी कह रहे थे कि सब कुछ सही हो गया है, एकदम से हिंदुस्तान का गोल्डन एज चालू हो गया है, ऐसा नहीं है. आंखें खोल के देखो, सब कुछ दिखाई पड़ता है. सर, करप्शन का इशू इतना स्ट्रांग था कि हिंदुस्तान में सरकारें बनी बिगड़ी, और मजेदार बात यह है कि सरकारों का तो शिकार हो गया, लेकिन उसके बाद पहुंचे कहाँ? हमें नहीं लगता कि किसी मुकाम पर पहुंच पाए होंगे. इसके मायने ये थी कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे, रेटोरिक क्या थी, रेटोरिक ने टेक ओवर कर लिया और एक्चुअल फैक्ट पे काम नहीं हुआ. सर, मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ. जब हम इस बात को कह रहे हैं कि करप्शन के जो भी घटनाएँ घटती हैं, हम लोग उनको आइसोलेशन में देखने के आदि हो गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है. जो हिंदुस्तान आज ज्ञान के सहारे आगे बढ़ता था पहले, वो आज ताकत के सहारे बढ़ने लगा है, और ताकत में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट. एनएन वोरा साहब डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो आज राज्यपाल हैं कश्मीर के, उन्होंने एक रिपोर्ट रखी थी सदन के पटल पे. हिंदुस्तान में जो संगठित अपराध हो रहे हैं, आर्थिक अपराध, उनके बाबत. और मैं पिछले कई वर्षों से इस बात पर आग्रह करता रहा हूं सदन में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी जब मैं था, मैं कि भाई जो एनएन वोरा साहब की जो एक गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट रखी गई थी, हिंदुस्तान के अंदर तमाम संगठित अपराधों पर एक रिपोर्ट, बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, आज तक सदन ने चर्चा नहीं किया उसके ऊपर. तो आखिर हम भ्रष्टाचार निवारण करना किस लिए चाहते हैं? क्या खाली नाम कमाने के लिए कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, या वाकई में इस पूरे इकोसिस्टम को सही करने के लिए? मुझे लगता है ये जो समाज का जहर है करप्शन, ये कुछ लोगों के लिए दवा बन गया. आज इस देश में मेहनत से पैसा कमा करके बच्चे को पढ़ाना, मकान बनाना लिटरली इंपॉसिबल है, लेकिन चोरी से, तिकड़म से, मक्कारी से करोड़पति बनना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल. सिस्टम क्यों नहीं रोक सकता उस चीज को? क्या लाचारी है आपके पास? हमारी पूरी व्यवस्था, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, चेक के ऊपर चेक, चेक के ऊपर चेक, लेकिन ये चीज नहीं रुक पा रही. और आज हम इस बात से आक्रांत हैं कि हिंदुस्तान में करप्शन है, और करप्शन को दूर करने की जरूरत है. क्या हमारी वाकई में मंशा है करप्शन दूर करने की? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जहां भी जिन देशों में आर्थिक सुधार लाए गए, वहां पहले प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लाए गए. आखिर ऐसा क्या कारण था कि हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक सुधार आपने सबसे पहले डाल दिए? आपकी लाचारियां थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को सशक्त करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए जो प्रशासनिक और न्यायिक सुधार थे, उनमें आपको बहुत दिक्कत लग रही. धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं. आज यहां तक स्थिति पहुंची है कि कोर्ट में बरसों लगते हैं. आपने अमेंडमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप
प्रयास ये कर रहे हैं कि 4 महीने में फैसला हो, ये बधाई के लायक कदम है। कायदे से हिंदुस्तान के अंदर कोर्ट के माध्यम से 1 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। ये 72 जातियों का देश, इस 125 करोड़ जनता का देश, अगर न्याय नहीं रहेगा ये जुड़ेगा कैसे? मुझे लगता है कि डिलिबरेट प्रोसेस है, हमारी पूरी प्लानिंग हर चीज को एड्रेस कर रही है, हमारे जुडिशियल सिस्टम को एड्रेस नहीं कर सकती, हमारे नए जज नहीं आ सकते, नई कोर्ट्स नहीं बन सकती, 3-3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, और कोर्ट्स में क्या स्थिति है आप जानते नहीं क्या? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जज साहब बैठे होते हैं, नीचे बाबू बैठा होता है, सीधे सीधे पैसा लेकर के वो डेट दिया करता है, मुकदमे 10-10, 15-15 साल चल रहे हैं। जिस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें हम सुनिश्चित नहीं कर पाए कि हर आदमी को इंसाफ 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, आपने करके दिखाया है कि कदाचित कुछ मामलों में, अभी मैं सवेरे सुन रहा था माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुए उस मामले में आपने 1 महीने में फैसला किया है, तो सवाल यह है कि ये प्रेरणा आपको बाकी मामलों के लिए क्यों नहीं मिलती? ये आवश्यक है, ये मिल जानी चाहिए। सर, मैं प्रशासनिक सुधारों के बारे में बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूँ, इतने बड़े लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर आम आदमी को सरकारी प्रणाली से काम कराने के लिए एमपी एमएलए की चिट्ठी की जरूरत क्यों पड़ती है, आज इस बात पर सवाल पैदा हुआ है। हमारी बहुत इलेबरेट सिस्टम है, बहुत ही इलेबरेट हमारी प्रणाली है, आम आदमी की सुनवाई के लिए आम आदमी पर आदमी लगाया गया, और आज हालत यह है कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी जो कार्यपालिका है वो वेस्टेड इंटरेस्ट का शिकार हो चुकी है। वो इतना वेस्टेड इंटरेस्ट का शिकार हो चुकी है कि जातियों के आधार पर बढ़ चुकी है। मैं समझता हूं हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, कोई राज्य ऐसा बाकी नहीं है जहां पर ये जातियों के सवाल आज न्याय के ऊपर खड़े हो गए। कोई घटना घटती है, मैं खुल के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे जघन्य घटनाएं घट रही हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए भी आंदोलन करने लगते हैं लोग, जिस पर इंसानियत के लिए शर्मिंदा हो जाती। तो आखिर हमारी ये कार्यप्रणाली, जो कार्यपालिका जो है, हम आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? हमें मालूम है कि आपको आर्थिक सुधार की जरूरत थी, आपको दिक्कत थी, लेकिन उसके पहले व्यापक पैमाने पर हिंदुस्तान में न्यायिक और प्रशासनिक सुधार लागू हो जाने चाहिए थे। आज ये हुआ है, इसकी बदौलत सर इट्स नॉट वर्किंग दिस इज सर आज ये स्थिति आई है कि एक इलेबोरेट ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद, गरीबों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के बावजूद, पूरा सिस्टम कैटर कर रहा है उसके बावजूद, आज हालत यह है गरीबी और अमीरी के बीच का भेद बहुत बढ़ चुका है और खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। सर मुझे लगता है आज जब हम करप्शन पर चर्चा कर रहे हैं तो जो प्रावधान आप में इस एक्ट में रखे हैं आपको उनको एक लार्जर इकोसिस्टम को ध्यान में रख के बनाना चाहिए था। सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सर पुलिस एक बड़ा इश्यू है, पब्लिक को करप्शन से दिक्कत हो रही, तो पुलिस मैनुअल क्यों नहीं बदला आपने आज तक? जो ब्रिटिश पीरियड में पुलिस मैनुअल बना हुआ था, आज हमको ये तय करना पड़ेगा ये पुलिस जनता के लिए है कि सरकारों के लिए। अभी जिक्र इस बात का हो रहा था, आनंद सिंह साहब, आनंद जी कह रहे थे इस बात के लिए कि पुलिस का और जो उसके संगठन है पुलिस के, जैसे सीबीआई के, विजिलेंस का, उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा, क्या ये जनता की अपेक्षाओं के साथ कुठाराघात नहीं है? मुझे लगता है बहुत ही स्पष्ट प्रावधान, सर इट्स वेरी स्मॉल बट मैं फिर इसका अकेला वक्ता हूं, मैं कर दे रहा हूं। सर जो स्थिति लोकल बॉडीज में है, पंचायत में, नगर पालिकाओं में, जो स्थिति कोर्ट्स में है और जो स्थिति बैंकिंग में है, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि जो सरकार की बहुत ही एम्बिशियस स्कीम थी मुद्रा लोन वाली, वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। मेरे पास एविडेंस रखे, मौका मिलेगा तो मैं रखूंगा इस बात के लिए। तो आखिर बैंकिंग की प्रणाली जिस पर जनता बहुत निर्भर करती है, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए एसेट्स जमा करती है, आज वो पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली पर सवाल पैदा हो रहा है, बैंकों की साख पर सवाल पैदा हो गया, लोगों को लगता है कि अब सरकार इस रास्ते पर ले जा रही है कि हम अपना पैसा बचा नहीं पाएंगे। तो जब ईमानदारी से कमाए गए पैसे की हिफाजत को लेकर के शंकाएं पैदा हो रही हैं, तो जो बेईमानी से पैसा कमाया जाता है और विदेशी बैंकों में रखा जाता है, मुझे तो लगता है उसके अंदर इजाफा ही होना है। और पता लग रहा है कि इधर एक साल में 50% इजाफा हुआ है जो कालाधन विदेशों में रखा हुआ है। आप सर फिर
सर मुझे लगता है कि जो बैंकिंग के इश्यूज हैं, उसमें जो करप्शन है, जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें भी करप्शन है। सर मेरे पास कागज रखा है, सर सीएजी ने इस बात का इंदराज किया है कि 19 मंत्रालयों ने लगाई 1179 करोड़ रुपए की शपथ। सर करप्शन सिस्टम है, इट इज नॉट इंडिविजुअल एपिसोड। सर मैं इसी बात पे निगाह करना चाहता हूं कि हम सर एक पूरे इकोसिस्टम को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल केसेस में समाधान नहीं निकलेगा। जिन लोगों पर एफआईआर होती है सारे के सारे बच जाते हैं बाद में, हिंदुस्तान की जनता देखती है। सर मैं आरटीआई के बारे में कहना चाहता हूं, ये जिक्र भी हुआ था सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, इट इज नॉट वर्किंग सर, प्लीज मेक इट। आई एम हैविंग अ टाइम हियर सर, मेक इट फंक्शनल सर, ही शुड सी हाउ मच टाइम ही हैज लेफ्ट। सर आरटीआई का जो हाल मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 73 लोग विसिल ब्लोअर्स मारे जा चुके हैं, 73 विसिल ब्लोअर्स मारे जा चुके हैं सर, 6 लोगों ने सुसाइड किया है और 428 मामले चल रहे हैं जिसमें विसिल ब्लोअर को उत्पीड़न किया जा रहा। और आपने तय कर दिया अमेंडमेंट में कि जो हमारा जो लोकायुक्त है वो फैसला करेगा, बड़ी मजेदार बात, अभी लोकायुक्त का पता कहीं नहीं है। तो सर ये तय कर दीजिए कि आने वाले टाइम में कितने विसिल ब्लोअर और मारे जाएंगे, कम से कम उनके लिए कोई कार्यक्रम कर दें, कोई समारोह कर दें। आखिर आप करना क्या चाहते हैं इस देश में, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? सर मैं एक बात साफ कह दूं सर, आज हालत ये है कि मीडिया भी सर जो सबसे दुखद स्थिति है। You are exceeding your time. सर लेफ्ट 7 मिनट सर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज 7 मिनट्स लेफ्ट सर, बैलेंस 7 मिनट। चलिए 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 सर, मुझे बहुत दुख है कि जो मीडिया, टाइम हैज टू बी करेक्टेड, आई एम हैविंग 1 मिनट सर, 1 मिनट। जो मीडिया, चलिए सर, हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा होता था, जो मीडिया सरकार की चौकीदारी करता था सर, जो मीडिया बड़े अपराधियों के पीछे पीछे पड़ जाया करता था, आज हालत यह उनका रुख नरम हो गया है। सर अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक बड़ा अपराध जेल के अंदर मारा गया। बात अपराधी के मार जाने की नहीं है, बात न्यायिक अभिरक्षा में एक व्यक्ति के मारे जाने की है। और पूरा पूरा मीडिया इस बात को जस्टिफाई कर रहा था कि भाई वो तो अपराधी था, उसको मरना ही था, वो न्यायिक अभिरक्षा में था। और न्यायिक अभिरक्षा में जो आदमी होता है उसको सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी निभाई सरकार ने? हम उसके बाद सरकार का नजरिया देख रहे हैं, कहीं लोकतंत्र के बजाय दिमाग में आपके तानाशाही तो नहीं, राजतंत्र तो नहीं है? मुझे कभी कभी शंका होने लगती है सर। मुझे इस बात की बड़ी हैरत है कि आज देश में पढ़ने लिखने के बाद ज्यादा लोग करप्ट हो रहे हैं, इसके माने वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। सरकार को नए तरीके से सोचना होगा। सर एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और आसपास के कई देशों में जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने गए नेता हैं, उनको करप्शन के आरोप लगा करके जेल भेजने का काम कर रहा है। प्लीज कंक्लूड, टाइम इज ओवर, आई एम फिनिश्ड। सर मेरा साफ साफ कहना है कि पूरी धरती पर जो बड़े सरमाएदार हैं, जो धरती के मालिक बन गए हैं, आज वो कई देशों में उनकी निगाहें खनिजों पर लगी हुई हैं, और इसलिए वो लोकतांत्रिक प्रणालियों को तोड़ करके, तानाशाही का माहौल बढ़ा करके, जो धार्मिक कट्टरपंथ लोग होता है उसको बढ़ा करके और अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि धरती के संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। सर मैं रेफरेंस देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, एक बहुत सी किताब आई है, द गॉड गवर्नेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें जो रिश्ता है इन तीनों चीजों का सीधे सीधे जोड़ा गया है। और सच्चाई ये है कि मिडिल ईस्ट से लेकर के फार ईस्ट तक सारे के सारे देश इन साजिशों के शिकार हो रहे हैं। सर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपकी आपने एक्ट में जिक्र किया है कि हम उनको भी घेरे में लाएंगे, हम आपको आगाह कर दें, जो स्वच्छता कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर शोर से चला रहे हैं, आपको कृष्ण सर एक मिनट, सर एक मिनट, उसके अंदर करोड़ों की तादाद में शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन शौचालयों में सेप्टिक टैंक के बजाय सोक पिट बनाया जा रहा है। आप देखिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, उन्होंने हमारे पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया है कि करोड़ों की तादाद में हमारे बच्चे बीमार होंगे और उनकी दवाएं बिकेंगी। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार
अपने बच्चों के लिए इतना बुरा सलूक नहीं कर सकती जितना हम लोग कर रहे हैं। सर ये हमें खोल के देखना पड़ेगा कि करप्शन एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और आप अगर उसके लिए काम करने का प्रयास करेंगे। प्रकाश शर्मा प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। धन्यवाद।